हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिस ब्यूटी हैक्स। आज हम बनाने वाले हैं हेयर सीरम जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके लिए मैंने लिया है एक अनियन, कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, एग और एलोवेरा जेल। ये चारों ही हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। एग हमारे बालों की बहुत सी प्रॉब्लम दूर करता है, जैसे आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, आपके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है और साथ ही में आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है और स्ट्रॉन्ग भी। इसके बाद है कैस्टर ऑयल जो कि हमारे बालों को थिक बनाता है, स्प्लिट एंड को रिपेयर करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अनियन हमारे बालों को लॉन्ग बनाती है, शाइन ऐड करती है, डैंड्रफ दूर करती है। एलोवेरा जेल भी हमारे बालों की बहुत सी प्रॉब्लम दूर करता है। तो सबसे पहले आप प्याज को काट लें और इसे पीस लें। पीसने के बाद आप इसे छान लें। इस सीरम में हमने अंडे लिए हैं, अगर आपके घर में अंडे नहीं लाते हैं तो आप स्किप कर दें, पर अंडे हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। मैं भी वेजिटेरियन हूँ पर बालों के लिए ही लेके आती हूँ। इसके बाद आप इसे साइड रख दें। सबसे पहले आप लें 2 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे बालों को थिक बना देता है। इसके बाद 1 चम्मच अरंडी का तेल, फिर आप इसे अच्छे से मिला लें। इसके बाद हम इसमें अंडा मिलाएंगे। फिर हम इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और आपको इस सीरम को स्टोर करके नहीं रखना है, जब भी आप लगाएं तब नया बनाएं। एट लास्ट हम इसमें प्याज का रस मिला देंगे। आप इसे हफ्ते में 1 या 2 बार लगा सकते हैं। और आपको लगाना कैसे है, पहले स्कैल्प पे लगाना है, पूरे बालों पे आपको ये अच्छे से लगाना है। फिर 1 घंटे बाद आप जैसे भी अपना हेयर वॉश करते हैं, जिस भी शैम्पू से करते हैं, वैसे कर सकते हैं। और इस पैक के साथ साथ आपको खाने पे भी ध्यान देना होगा। सिर्फ पैक से आपके बाल जल्दी से अच्छे नहीं हो जाएंगे, आपको अच्छा अच्छा खाना पड़ेगा जिसमें विटामिन्स हों। और आप आंवला का जूस पिया करें और अखरोट भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करना। आप चाहो तो मुझे इंस्टा ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, मेरा फेसबुक पे लाइक कर सकते हो। बाय बाय।